सचिव श्री एस टी सोमशेखर अवरिंद मैसूर मेघवन दयवाड़ी संसद प्रताप सिंह प्रधानमंत्री तोर और मैसूर हमारे इतिहास विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों शहरों के बीच में आज बेंगलोर से मैसूर तक ये महामार्ग का जो निर्माण हुआ है एक्सिस कंट्रोल, ये निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। हमारे देश से और विदेशों से बड़े प्रमाण पर जो टूरिस्ट है वो मैसूर आते हैं। पुराने रोड में आते समय काफी समय लगता था और नया रोड जो बना है इसके कारण वो एक घंटे में बेंगलोर से मैसूर निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम रिंग रोड बना रहे हैं जिसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि रिंग रोड बनने के बाद हम डायरेक्टली मैसूर तक आना और आसान होगा। ये जो परियोजना है ये शुरुआत में परियोजना करते समय अनेक अड़चने आई क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है। मैं विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से सभी सांसद और विधायकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए थी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानून को जो मंजूर कर दिया था उसके साथ उन्होंने हमको ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसी बात को लेकर हमने 4,000 करोड़ रुपए केवल कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों को दिए हैं। इसी हाईवे को बनाते समय ये 52 किलोमीटर नया बना है, 8 किलोमीटर एलिवेटेड है, साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर का भी अनेक जगह निर्माण किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे बनाते समय हमने विशेष रूप से जो पुराने पार्ट का जो रोड है वो भी अच्छा बनाया है। मुझे इस बात का समाधान है कि जितने सांसद जितने मंत्री जब जब मेरे पास आए तो ओरिजिनल DPR में केवल 24 ही अंडरपास थे पर लगभग उनके पूरे आग्रह को मान्य करके हमने 89 ऐसे अंडरपास इसमें बनाकर दिए हैं। इसके लिए जो हाईवे था उसमें मांग की गई कि एलिवेटेड बनाओ तो 8 और यहाँ के सांसद विधायक सचिव श्री एस टी सोमशेखर अवरिंद मैसूर मेघवन दयवाड़ी संसद प्रताप सिंह प्रधानमंत्री तोर्स Thank you, माननीय प्रधानमंत्री जी फॉर एक्सेप्टिंग आफ्टर दिस मिशन। थैंक यू।